अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं गोश्त मंडी में। ठीक है, तो गोश्त मंडी का आपको थोड़ा सा व्यू करवाते आए, आप हमारे साथ चले। यहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा है, चेक करवाते हैं आपको। लाहौर के मशहूर तरीन जो नाश्ते होते हैं उनमें से एक नाश्ता पावों का। किस तरह? 300 रुपये किलो के हिसाब से 350 रुपये किलो। ये अगर ऐसे नहीं लीजिए, बगैर तोल के नहीं है? बगैर तोल के नहीं है, बगैर तोल के, बगैर तोल के नहीं बिकते। हर किस्म के साइज़ के पावे मिल जाते हैं, बकरों के पावे भी हैं, सीढ़ियाँ भी अभी पीछे मैं देख रहा था, और वो सामने अंदर यहाँ पे पावे भूनते हैं। ये बकरों के पाए चेक करें आप, सीढ़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, कलेजियाँ तो पता नहीं क्या क्या है, ये सारा कुछ, ये सीढ़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, अभी भूनने वाली हैं। गोश्त भी यहाँ से मिल जाता है, कटा कटाया गोश्त जो होता है। ये देखें ये गोश्त, यहाँ पे गंद भी बहुत ज़्यादा है, स्मेल भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे खाने पीने वाली चीज़ें भी बिक रही हैं, लोग खुशी खुशी से ले भी रहे हैं। ओहो हो, ये तो गोश्त की हंसी भरी अंदर मार्केट है। अच्छा जी, अंदर मूवी बनाने से उन्होंने मना कर दिया। बाहर से ही आपको रिव्यू करवा दे। मेरे ख्याल से यहाँ से बुचर वगैरह जो हैं बहुत रात लेके जाते हैं, जो बुचर वगैरह होते हैं ना वो यहाँ से गोश्त लेके जाते होंगे, फिर अपनी दुकानों पे सेल करते होंगे, क्योंकि जो कटाई वाला माल है वो कटने वाला तो बाहर कट के आता है, और लाहौर से बाहर है, वहाँ से ये सब्जादार का इलाका है जहाँ पे मंडी है। हाँ जी, 340 कह रहे हैं यार। 340 और चेक कर लो। अच्छा जी, ये वाले जो हैं ये 2700 रुपये के मांग रहे हैं, इन वालों का 4000 रुपये मांग रहे हैं, 3800 रुपये फाइनल कर दिया है भाई साहब का रेट नहीं बन रहा। ये किलो के हिसाब से मिल रही है 330 रुपये किलो, वो 360 रुपये, वो वाले 360 रुपये। जुबानें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, खाते हैं लोग यार। ये भी वाह, ये और जुबानें आ गई। अच्छा जी, वो कहते ना काली जुबान वाले, वो ऐ होंगे ने काली जुबान वाले। अच्छा जी, यहाँ पे ऊंट के पावे भी मिलते हैं, अपने घर कुर्बाने से खाओ ना खाओ इधरों लैके खाते होंगे लोग। रश भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है, और गंद भी बहुत ज़्यादा है इस जगह पे।
ये ओजरियाँ आ गई 130 रुपए की ओजरी कह रहे हैं एक, अट्ठाईस सौ रुपए के चार पावे। अच्छा जी, इधर श्री पाओ का और ऐसा कोई नाश्ता भी मिल रहा है। ठीक हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, स्मेल बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से थोड़ी उलझन सी होती है यहाँ पे। 3500 रुपए के चार पा गए ये वाले। ये सीढ़ियाँ वगैरह पड़ी हैं सामने बगैर भुने हुए भी, और आगे हमने देखी थी अभी भुनी हुई बनी हुई भी सीढ़ियाँ पड़ी हुई थी। ये भी सीढ़ियाँ पड़ी हुई हैं, सीढ़ियाँ पाए छोटे छोटे बकरों के बच्चों के, वो जो ऐसे नहीं होता मेरे ख्याल से साल से नीचे के बच्चों के ही होंगे ये तो। इनू तो दरारा पियाँ आने यार। ये हमारे उस्मान भाई, ₹4200 रुपए के चार। वो कह रहे हैं जी 10 किलो वजन है, वो तोलने के लिए जा रहे हैं। कोई लोग यहाँ पे तोल के भी देते हैं और कोई बगैर तोले भी देते हैं, सबका अपना अपना हिसाब है। कोई लमसम पैसे मांगता है और कोई कहता है कि हमने तोल के ही सिर्फ देना है। ओजरियाँ पावे बड़ा कुछ यार यहाँ पे मिलता है। अच्छा जी, ये जो उस्मान भी ने पकड़े हुए ये 3500 रुपए के चार, ये वाले 3300 रुपए के चार, और ये वाले 3200 रुपए के चार। देखो अब यहाँ पे रेट होता है कि नहीं, नहीं जी यहाँ पे भी रेट नहीं हुआ। दिमाग कहते ना मेरा दिमाग ना खा दूँ, वो दिमाग इधर मिल रहा है खाने वाला दिमाग। गाय की सीढ़ियाँ अक्सर ईद के दिनों में गाय की जो सीढ़ियाँ होती है हम रोडों पे गिरी हुई देखते हैं, और यहाँ पे सेल हो रही है, हो सकता है कोई खाता भी हो। यहाँ पे है जी, यहाँ पे है 340 रुपए किलो, जो सा मर्जी दाना उठाएं और तोल ले उसको, जितने आपका दिल करता है उतने ले लें, 1 2 3 4 10 जितने आपका दिल करता है। वो बड़े अजीब से पाए हैं, चिट्टे चिट्टे वाइट वाइट से। अच्छा जी, उस्मान भी का इनका रेट हो गया ये 1530 15 किलो 300 ग्राम। हाँ अच्छा जी, उस्मान भी किस हिसाब से मिले ये 340 रुपए किलो के हिसाब से मिले, 5100 के बने। अभी इनको जो कटवाना है वो भी अलहदा से चार्जेस देने पड़ेंगे, वो इधर ही बैठे होते हैं उनसे कटवाने पड़ेंगे। अच्छे पावे हैं लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है इनका। वो पता नहीं हले भी कैरी नस्ल के पावे ने इन्हें चिट्टे चिट्टे दे।